कर्नाटक के ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कह रही हूँ राकेश भाई, उठाकर देख लीजिए, सुनिए मेरी बात, सुजाता जी बीच में बोलिएगा, मुख्यमंत्री ये कह देते हैं पूरे एक साल तक हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम फ्री भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बजट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो भैया तुमने वादे क्यों करे थे राकेश भाई? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, इधर उधर डीके नहीं हारती हूँ, मैं डीके नहीं हारती हूँ उनकी तरह। इनसे पूछिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्यों कहा एक साल तक हम वादे नहीं पूरे करेंगे, झूठ बोले, झूठ बोलिए सरदारी आप करिएगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जनता को पहले भड़काइएगा, फिर झूठ बोलिएगा और फिर यहाँ बैठकर भाषण सुनाइएगा तो मैं नहीं सुनूंगी। मुझे बताइए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्यों बोला ये, और नहीं था पैसा तो झूठ क्यों बोली आप? क्यों बोली झूठ? आप लोग यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का नाटक करेंगे, आप लोग यहाँ पर फ्रीबीज का नाटक करेंगे, आप लोग यहाँ पर महिला उत्पीड़न के बारे में कोई जवाबदेही आपकी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर चिल्लम चिल्ली जरूर करिएगा। राकेश भाई सवाल रखा है, सवाल पूछिए इनसे, जवाब मांगिए, चिल्लम चिल्ली मत करिए मैडम। जब जवाब नहीं होता तो चिल्लम चिल्ली पर आ जाते आप और आपके प्रवक्ता, मत करिए मेरे सामने, मैं यहाँ पर बेइज्जत कर दूंगी कांग्रेस को, क्योंकि आप लोग इज्जत के लायक नहीं है। बोलिए इन्हें बोलिए राकेश भाई, इन्हें बोलिए पहले मेरे सवाल का जवाब दे, मैं नहीं बोलूंगी। बाहर निकाले, अरे बाहर निकलवाए, क्योंकि इधर उधर कैंपेनिंग करने के लिए नड्डा जी काफी है, वादे करने और वादों को निभाना आप लोगों को आता नहीं है, और हमने ये देख लिया है देश। अब राकेश भाई इनका एक मिनट आ रहा हूँ।